उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा पर एक बार फिर रघुराज प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। हाल ही में अखिलेश यादव को ये चुनौती देने वाले कि ना सरकार बन रही है और ना बनने दूंगा ये कहने वाले रघुराज प्रताप सिंह ने अपना किला बरकरार रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अपने चुनाव को जीतने के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने मीडिया से बात की तो कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ना सरकार बन रही है ना बनने दूंगा। प्रथम कुंडा और बाबागंज के सभी सम्मानित मतदाताओं को, सभी समर्थकों को और सभी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम, आभार और धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद जैसे शब्द बड़े छोटे पड़ जाते हैं, और ये ऐतिहासिक जीत उन्होंने दिलाई और जनसत्ता दल का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। आप जानते हैं कि बाबागंज से विनोद जी और कुंडा से हमको जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और नई ऊर्जा के साथ पूरे मनोयोग से हम और हमारे पूरे दल के सभी समर्थक जनता की सेवा करेंगे। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के दो विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत की शुरुआत को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है। और जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े स्थापित दल, राष्ट्रीय दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। आप लोग जब ओपिनियन पोल निकाल रहे थे तब वो याद नहीं, हमने कहा था ना बनत या ना बने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जो है? आप मुद्दे क्षेत्र के विकास के साथ साथ जन सुलभ रहना, जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहना, हर मुसीबत में शामिल रहना और उसको दूर करने का प्रयास करना। कुंडा में कुंडी लगाने की बात किए थे, कुंडा में कुंडी लगाने की बात। अब तो परिणाम आपके सामने, अब तो परिणाम आपके सामने है, उसमें जनता ने जवाब दे दिया और जनता ने, पूरे प्रदेश के जनता ने, और खास तौर से जब ये बयान दिया गया था उसके बाद पांचवें, छठे और सातवें चरण में जहाँ मतदान होने थे वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह से उनकी दूरी ऐसी हुई कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार कुंडा में कुंडी लगाने का काम कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव की सभा के बाद रघुराज प्रताप सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा कि सात पुश्त लग जाएगी, लेकिन कुंडा में कुंडी कोई नहीं लगा सकता, उनकी सरकार ना बनत बा ना हम बने दे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा तो राजा भैया को जीत का। राजा भैया ने एक बार फिर कहा कि मैंने पहले ही कहा था ना सरकार बन रही है और ना मैं उनकी सरकार बनने दूंगा।